और एक और बड़ी खबर है, त्रिवेंद्र यादव रावत की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर राज्य सरकार ने यह दलील दी है, त्रिवेंद्र की अर्जी पर सुनवाई की दलील दी गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख 4 जनवरी दी है अब, और त्रिवेंद्र ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले में ये चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दरअसल उमेश कुमार पर जो आरोप लगा था देशद्रोह को लेकर, उसको नकारा था। देशद्रोह खानपुर विधायक उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मांग को लेकर त्रिवेंद्र रावत की याचिका पर अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोर्ट त्रिवेंद्र रावत की याचिका पर सुनवाई करे। सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 4 जनवरी 2023 तय की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई के गवाह रहे आयुष गौर ने अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आयुष खानपुर विधायक उमेश कुमार के सहयोगी रहे हैं और बाद में उनसे अलग हो गए थे। तहरीर में आयुष गौर ने कहा कि उन पर अज्ञात हमलावर तब टूट पड़े जब वो रात में कैफे में खाना लेने के लिए गए थे। दूसरी तरफ कैफे संचालक ने भी आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उन पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। पुर में परसों रात की घटनाएं जिस संबंध में कल जो है दो पक्षों की तहरीर आई, जिसमें कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ जो है मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, इस संबंध में जो है क्रॉस एफआईआर की गई है।